चलो की बात करते हैं। परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं मिला मुझे, पर फिर भी काम चलाओ सॉल्यूशन देखते हैं। शुरू करें। रिलेटिव रेफरेंसिंग ऑन है। रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रोग्राम टेस्ट 2, कंट्रोल शिफ्ट जी, और ओके ओके। लास्ट में आया, एक नीचे आया, सम। अब देखिए हो क्या रहा है, मैंने कई बार ये करके देखा। जब मैं इसको राइट साइड पे भेजता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैंने इसको ऐसा करके देखा, अगर मैं एक स्टेप करता हूँ तो रिकॉर्डिंग क्या हो रही है, सिर्फ मैं डी में हूँ, बी और सी की रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर मैं इसको करता हूँ इक्वल टू सम यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, तीनों जा रहे हैं, ए भी जा रहा है। मैंने कोशिश की कि एक वापस आ जाए, यहाँ पे करके देखें। इस तरह से करके देखा तो ये यहाँ तो काम करेगा, रुको भाई, कंट्रोल शिफ्ट जी है, यहाँ भी काम नहीं कर रहा है ढंग से, कहीं और पहुँचे, गड़बड़ हो रही है। एस्केप एंड, और यहाँ तो मुझे लगता ही नहीं काम करेगा ये, कंट्रोल शिफ्ट जी, वही दिक्कत आ रही है। यानी सी और डी की रिको किया इसने, बी को ओमिट कर दिया। तो इसको दोबारा से करते हैं, नए तरीके से करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो, रिलेटिव रेफरेंसिंग ऑन है, रिकॉर्ड मैक्रो टेस्ट 2, कंट्रोल शिफ्ट जी, ओके, कंट्रोल होम, लास्ट में आए, इक्वल टू सम यहाँ से लेके, यानी इमीडिएट लेफ्ट से लेके फर्स्ट कॉलम तक। अब देखिए बात यहाँ पर ये आएगी कि ये क्या हुआ, 16 और 20 में ए को क्यों ऐड कर रहे हो आप, करो ऐड, तो भी 36 ही आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। यानी अगर नंबर्स में कोई अल्फ़ाबेट आए तो अल्फ़ाबेट को ओमिट कर देता है। नीचे आए और उसी तरीके से कंट्रोल डी, मैक्रो तैयार, होप इट शुड वर्क, कंट्रोल शिफ्ट जी काम कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट जी काम कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट जी, सम चेक कर लें, 196, हो रही काम कर रहा है। देखिए इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग सिस्टम। जब आप रिलेटिव एड्रेसिंग रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं तो ये काम करता है कि यहाँ से यहाँ तक गए, एब्सोल्यूट में वो करेगा ए से डी पे गए। रिलेटिव का मतलब है कि ए से सीधा आप जो भी लास्ट कॉलम है वहाँ तक गए। अब जो जिस स्कॉलर ने एक क्वेश्चन पूछा था उसके क्वेश्चन की हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।